अंकित अनुष्का गोला, योर होस्ट, एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी समथिंग वेरी स्पेशल। अभी जैसा आप सबको पता है कि मैं पीछे कुछ दिनों में दुबई होकर आई थी, एंड माय ट्रिप वाज टोटली इन बजट। एक बजट ट्रिप प्लान करना समटाइम्स लोगों को लगता है कि क्या ये पॉसिबल है। दुबई का नाम सुनते ही लोगों के माइंड में आ जाता है कि देयर आर लॉट ऑफ बहुत पैसा लगेगा, बहुत खर्चा होने वाला है, बहुत सारी चीजें होने वाली है। बट यू कांट बिलीव इट, मैं दुबई को 60,000 रुपए में घूमकर आई थी, एंड विच इज फॉर दी 8 डेज। और ये 8 दिन इतने एक्साइटिंग रहे, क्या क्या चीजें करी, क्या क्या मैंने साइटिंग करा। और अगर आप भी दुबई के लिए प्लान कर रहे हो, विच इज एवरीथिंग इन बजट, तो दिस वीडियो शॉर्टली गोना हेल्प यू। इसको लास्ट तक जरूर देखना एंड बी इन माई वीडियो। सो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको अगर जाना है दुबई जाने के लिए, आपको दो चीजें बहुत रिक्वायर्ड है। फर्स्ट इज वीजा एंड सेकेंड इज टिकट्स। यस, वीजा के लिए आपको देखो, वीजा एप्लीकेशन फॉर इंडियंस इट्स वेरी इजी, बहुत क्वाइट इजी है। आपको सिर्फ अप्लाई करना है और 2 से 3 दिन के अंदर आपके वीजा आ जाता है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, बैक हिस्ट्री अच्छी रही है, तो वीजा मिलने में दिक्कत नहीं लगती। मेरा तो 12 घंटे में ही आ गया था। तो मैंने जो वीजा लिया था वो काइटसा टूरिज्म की तरफ से लिया था, विच कॉस्ट मी अराउंड 6,800 रुपीज, जो मैंने बिल्कुल बता दिया है। 6,800 रुपीज का मुझे वीजा लगा था। अगर आप यूएस वीजा होल्ड करते हो, आपके पास में शेंगेन यूएस वीजा है, और मतलब आपके पास में बाहर दूसरा वीजा है, तो ये वीजा की कॉस्ट आ जाती है 2,500-2,600 रुपए, वो भी ऑन अराइवल मिल जाता है, तो आपको प्रायर वीजा के लिए नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज आती है आपको जो सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखनी है, विच इज द फ्लाइट। अभी फ्लाइट्स के अंदर क्या है, दो चीजें हैं फ्लाइट्स के अंदर। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो किसी मेट्रो सिटी से, बड़ी सिटी से ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको फ्लाइट की कॉस्ट हमेशा कम पड़ेगी। बट अगर आप कर रहे हो किसी टायर 2 सिटी से फ्लाइट, जैसे आपको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती है, तो वो आपको थोड़ा कॉस्ट पड़ेगा। बट मैं दिल्ली से गई थी, तो मेरी जो फ्लाइट की कॉस्टिंग पड़ी थी ऑन अ वेरी प्रायर बेसिस मैंने बुक करी थी, विच इज 20,000-25,000 रुपीज के अंदर आपको फ्लाइट मिल जाएगी विद लगेज एंड ऑल। मेक श्योर, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जब भी ट्रैवल बुक कर रहे होते हैं, फ्लाइट बुक कर रहे होते, वो ध्यान नहीं देते कम पैसों के अंदर। वो ये देखते हैं कि लगेज तो उसके अंदर है ही नहीं, दैट जस्ट फॉर द फ्लाइट टिकट ओनली। नाउ द पार्ट इज दैट, कि अगर आप करना चाहते हो फ्लाइट टिकट अर्ली पॉसिबल बेसिस पे करना, मेक श्योर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुंबई से करोगे तो मुंबई से और ज्यादा चीप पड़ जाता है। तो मुंबई से आई गेस इट कॉस्ट अराउंड आपको करीब 20,000 के अंडर में आ जाती है फ्लाइट। बट अगर आप दिल्ली से करना चाहते हो, तो दिल्ली से आपको 20,000-25,000 राउंड ट्रिप पड़ता है, सेम एज इट इज मुंबई से अलग अलग, ठीक है। वाइसा वर्षा का खेल है, वाइसा वर्षा के हिसाब से कर सकते हो, जैसा करना चाहोगे वैसा, टोटली योर कॉल। आई प्रेफर कि आप जो मेट्रो सिटीज है बड़े स्टेशन से, वहीं से आप डायरेक्ट फ्लाइट लेना प्रेफर करो, क्योंकि जितना आप पिट स्टॉप वाली फ्लाइट लोगे, कनेक्टिंग फ्लाइट लोगे, वो कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। मैं 4 घंटे में पहुंच गई थी दुबई, विच इज द ऑल्दो वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस इंटरनेशनल्स के लिए। हाँ, मेक श्योर अगर आप एयरपोर्ट पर जा रहे हो, तो दीज डेज थोड़ी सी डिफरेंट चीजें हो चुकी है, जो कि बहुत रिक्वायर्ड हो गई है। पहली चीज हो गई है कि आपको एयरपोर्ट जाने से पहले आपको अपने वीजा की हार्ड कॉपी रखनी है, आपको अपनी फ्लाइट टिकट्स की हार्ड कॉपी रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग कभी भी, इमिग्रेशन वाले लोग बड़े अजीब होते हैं, कुछ मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते, ठीक है। मेक श्योर अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करना, सारी चीजें, वैक्सीनेटेड सब होंगे ही, कहने की जरूरत ही नहीं है। तो दीज आर द बेसिक स्टेप जो आपको रिक्वायर्ड है। सो तीसरी चीज आती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दो, स्टे। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा क्लॉज है, इफ यू आर ट्रैवलिंग विद फैमिली और इफ यू आर ट्रैवलिंग सोलो, तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है। आई प्रेफर दो, मैं एज एन अ सोलो ट्रैवल गई थी, तो मेरे पास दो चॉइसेस थी, या तो मैं रुक सकती थी हॉस्टल में, या मैं रुक सकती थी किसी अच्छे होटल के अंदर। और आई प्रेफर, मैंने चूज जो करा वो मैंने होटल चूज करा था, दो चीजें, क्योंकि सोलो ट्रैवलर के लिए अगर आप पहली बार आपका इंटरनेशनल है, तो प्लीज डोंट टेक अ चांस विद द क्वालिटी और कहाँ रह रहे हो, क्योंकि एट द एंड आपको आकर अपने होटल में सोना ही है, ये ध्यान रखना। तो आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रिक्वायर्ड रहेगी, वो रहेगी आप लोगों के लिए, कि आई प्रेफर कि जब भी होटल बुक करने वाले हो, सबसे पहले चेक कर लेना उसकी रेटिंग्स कौन से एरिया में है, किस सराउंडिंग में है। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, हर जगह का है ना, एक सिटी का एक ऐसा एरिया होता है विच इज नॉट सो नाइस, पर उस एरिया में होटल्स बहुत सारे होते हैं, पॉकेट फ्रेंडली चीप तो मिलेंगे बट एरिया अच्छा नहीं होगा। तो मैं प्रेफर करूंगी ऑलवेज चेक विद दैट, क्योंकि मैंने जो प्रॉपर्टी बुक करी थी, विच इज दो वेरी एक्स्ट्रा नाइस, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, और वो प्रॉपर्टी नाम था, तो ऑलरेडी कोई टेंशन नहीं थी। वही कॉस्ट में अगर मैं हॉस्टल में भी दे दी, तो शेयरिंग बैच के साथ में, पर मेरे को नहीं ठीक लगा, मैंने विद ब्रेकफास्ट ये प्रॉपर्टी ली, और मेरे 8 दिन का कॉस्टिंग पड़ा था 36,000 रुपीज, ठीक है, जो कि क्वाइट अफोर्डेबल था, मतलब 8 दिन के लिए, यू कांट बिलीव इट। मैंने यही एयरबीएनबी चेक करा था, तो वो मुझे चेक मिल रहा था करीब 55,000 रुपीज का 8 दिन के लिए, जो कि मेरे पॉकेट से बिल्कुल बाहर जा रहा था। तो ट्रैवलिंग कर रहे हो सोलो के साथ में, तो अगर मेरे साथ कोई और होता, शायद हो सकता था मेरी कॉस्ट कटिंग हो जाती, मेरी चीजें डिवाइड हो जाती, बट
कोई दिक्कत नहीं है। 36,000 रुपीज विच इज प्रीटी नाइस विद ब्रेकफास्ट फॉर 8 days, 8 दिन के लिए बहुत शॉर्ट था मेरा, ठीक है। ऊपर से अच्छी प्रॉपर्टी थी, पूल था, जिम था, एवरीवन नाइस एलिमेंट, सब कुछ आसपास में अच्छा था। फैमिली के साथ कर रहे हो तो यही सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल जाएगी कि फैमिली में बहुत सारे लोग होंगे, एक रूम में आप 2 लोग रह सकते हो और विच इज सो वेरी कम्फर्टेबल, ठीक है। स्टे शॉर्ट हो गया हमारा। अब आते हैं हम साइट सींग की तरफ। साइट सींग में कहाँ कहाँ जा सकते हैं? अच्छा, दुबई के अंदर देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस विच इज फ्री, हमें पता नहीं है इस चीज के बारे में। हमें लगता है दुबई ऑल द वे इन वेरी हाइप और सबसे पहले क्या क्या फ्री है क्या नहीं है वो देखना चाहिए, क्या करना है। तो मैं आपको एक क्विक चीज बताती हूँ। बुर्ज खलीफा सबसे पहली चीज आती है दुबई का नाम सुनते हो, हाइट देखनी है तो राइट, कॉस्टिंग पड़ेगी आपको कुछ 6,000 रुपए की, 6,000 से 10,000 के बीच में टिकट आती है इंडियन करेंसी के अंदर। डिपेंड करता है कि आप टाइम कौन सा चूज कर रहे हो, तो उनके 2 प्रेफरेबल टाइम होते हैं, मॉर्निंग का टाइम होता है, इवनिंग का टाइम होता है, नाइट का टाइम होता है। रात का टाइम कभी प्रेफर मत करना, लाइटें लाइटें देखनी है तो, बिकॉज वही वो चीज़ तो आपको ऊपर फ्लाइट से भी देखने के लिए मिल जाएगी। मैंने ऑनेस्टली बताऊँ मैंने नहीं देखा था, क्योंकि जो मुझे सनसेट का टाइम चाहिए था वो मुझे मिला नहीं, तो मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम कभी ट्राई करूंगी। बट मैंने एक चीज़ करी, हाई राइज में करना है तो दुबई मॉल के टॉप फ्लोर के किसी भी स्टोर में घुस जाना, पूल साइड वाले, मतलब जहाँ पे जो फाउंटेन शो होता है। वैसे मैं एडिडास के स्टोर में और नाइकी के स्टोर में गई थी, वहां से एक व्यू बहुत अच्छा था जो मैंने कैप्चर करा था और जिस पे मैंने पिक्चर्स भी क्लिक कराई है, बहुत अच्छा था। सिमिलर लाइक दो फाउंटेन शो फ्री है, दुबई मॉल फ्री है, डो क्रूज आप जा सकते हो, बहुत अच्छा है, जैसे मरीना क्रूज है, डो क्रूज है, आप प्रेफर कर सकते हो। 2,500 रुपए के अंदर आपको एक अच्छा एक डिनर मिल जाएगा, बट अगर फैमिली के साथ में जा रहे हो तो थोड़ा सा कॉस्टिंग में डिफर कर जाएगा, ठीक है। मेरे लिए सिंगल के लिए 2,000 रुपए था। उसके बाद में आता है सफारी। सफारी वही फैमिली के साथ जाते हो तो कॉस्टिंग डिफर करेगी, बट मेरे लिए सफारी की कॉस्ट पड़ेगी 2,000 रुपीज। उसके बाद में मिरेकल गार्डन ज्यादा नहीं, 500-600 रुपए की टिकट थी। ग्लोबल विलेज ज्यादा महंगा नहीं था, वो भी इतने के अराउंड में था। तो मतलब अगर हो सकता है कि मैं प्राइसिंग को लेकर ऊपर नीचे आ रही हूँ तो स्क्रीन पे मेंशन हो जाएंगी चीजें। सो बाकी ट्रांसिट की बात आती है तो ट्रांसिट के लिए आई प्रेफरली मैं हमेशा बोलूंगी इस चीज के लिए काइटसा टूरिज्म को चूज करना है इस चीज के लिए, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल, बहुत कंफर्टेबल, सबसे बड़ी बात ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रैवल करते टाइम पे आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि दैट यू आर ट्रैवलिंग, हाँ ठीक है, मतलब धक्का पहले से ट्रैवल कराया जा रहा है, नहीं, उसके अंदर बहुत फर्क पड़ता है। तो आपको ट्रांजिट के लिए अगर आपको लगता है दूर दूर जगह जाना है तो दूर दूर जगह के लिए आप काइटसा टूरिज्म से वहां से उनसे बोल सकते हो, वो पूरा पैकेज मेंटेन करेंगे जिसमें आपकी ट्रांजिट वगैरह सब आ जाएगी। कॉस्टिंग भी इतनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैंने अपना जो पैकेज करवाया था प्रॉपर तरीके से काइटसा टूरिज्म के थ्रू ही मैंने सब कुछ मैनेज करा था। उसके बाद में आती है साइट सींग के लिए, मैं सारी लोकेशन डाल दूंगी आपको कौन कौन सी जगह कुछ मैं मिस आउट करी। एन दुबई जरूर जाना और ब्लू वाटर जरूर जाना और बहुत सारी जगह जो कि फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट की लिस्ट में यहाँ पे डाल दूंगी, लिंक नीचे मिल जाएगा। आइटनरी पीडीएफ में मैं बनाकर कोशिश करूंगी कि मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ ताकि आप उसको फॉलो कर पाए। और बहुत सारी चीज़ें हैं बाकी, तो देखो ये तो मतलब बेसिक बेसिक साइट सींग हो गया है। अबू धाबी में जाओगे तो ग्रैंड मॉस्क बिल्कुल फ्री है, टिकट्स वगैरह कुछ नहीं है उसकी, मतलब कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है ग्रैंड मॉस्क जाने देखने के लिए। हम मेरे हिसाब से हमारे साइट सींग का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है कि कुछ ज़्यादा बचा नहीं है इधर उधर करने के लिए। अब आती है दुबई के अंदर अगर ट्रैवल करना है तो दुबई के अंदर ट्रैवल करने के लिए क्या कन्वीनियंस, क्योंकि बस तो वहाँ पे जो है बसेस आप ले सकते हो, बट मतलब आई एम नॉट अ बस गर्ल, मेरे को ऐसा लगता है कि बस में मैं इतना कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। मैंने मोर दो काइटसा टूरिज्म से मेरे ट्रांजिट थे तो ट्रांजिट मैंने लिया है। बट इसके बाद में आती है मेट्रो। मेट्रो इज दो चीप और दो कंफर्टेबल। आपको नॉल कार्ड मिल जाएगा जो कि वहाँ पे मिलता है, कुछ 7 days का होता है, 7 दिन के अंदर आप सब चीज़ें यूज कर सकते हो। वो नॉल कार्ड आपका मेट्रो स्टेशन पे, वो नॉल कार्ड आपका बसेस के अंदर, वो नॉल कार्ड आपका ग्रॉसरी स्टोर्स के अंदर सब में चल जाता है, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हो। और उसके अंदर मतलब आपका मिनिमम रिचार्ज होता है 2,000 का, ठीक है, तो 2,000 रुपीज का और दिरहम के हिसाब से यू नो कन्वर्टेड अपने हिसाब से, ठीक है। अगर आप जाओगे 3-3 दिरहम के स्टेशन का वो पड़ता है, मैंने मेट्रो राइड ली थी वहाँ पे, एक मेट्रो राइड थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेगी आपको, 30-35 दिरहम की पड़ेगी। वो मेट्रो पर चलती है उनकी मोनो रेल जो आपको अटलांटिस तक लेकर जाती है, तो अटलांटिस तक का जो ब्लू वाटर्स वाला वे है वहाँ तक के लिए इट्स क्वाइट कॉस्टली, जो मेरा वाला साइड है। तो आइदर आप जा सकते हो वहाँ पे, ई स्कूटर्स ले सकते हो, जो ई स्कूटर्स चलते हैं 500 दिरहम पर डे के हिसाब से मिलता है, ठीक है, वैसे तो लोग 5,000 ले लेते हैं बट 500 दिरहम पर डे के हिसाब से मिलता है, वो आप ले सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको किस हिसाब से इंजॉय करना है, मतलब मेरा एंजॉयमेंट का वे अलग था, मैं वॉक करके ट्रैवल करके ऐसा प्रेफर ज़्यादा करती हूँ, ठीक है। इस तरीके से हमारा साइट सींग हो गया, ट्रैवल कॉस्ट हो गया, नॉल हो गया। इसके बाद में हम कितना कैश रखें, कितना कैश रिक्वायर्ड है। दुबई हैज़ नो लिमिट्स, ठीक है, जितना पैसा लेकर जाओगे खर्च हो जाएगा, बट यू कॉन्ट बिलीव इट ऑनेस्टली मैंने कितने पैसों में सर्वाइव किया। मेरे पास में थे 1,750-1,800 दिरहम, विच इज़ कॉस्ट लाइक यहाँ के इंडियन करेंसी के हिसाब से 40,000-45,000 रुपये। उसके अंदर से मैं जो खर्च करके आई हूँ, मैं सिर्फ खर्च करके आई थी 700 दिरहम।
850 dirhams टिल नाउ मेरे पास भी सेफ पड़े हैं, ठीक है, जिसमें मैंने कुछ पैसे तो एयरपोर्ट पे बाद में सारा पूरा ट्रिप एंड होने के बाद में करे थे। शॉपिंग मैंने करी नहीं। शॉपिंग करने के लिए अगर आप जाना चाहो तो आप मीना बाजार जा सकते हो, दो तीन अलग अलग जगह है मार्केट से, वहाँ जा सकते हो, विच इज दो वेरी नाइस एंड क्वाइट अफोर्डेबल, थोड़ा मिल जाएगा। बट मेरे को लगता है कि इंडियंस अगर जाएंगे तो मेरे जैसी कंजूस लड़की वहाँ जा रही है तो उसको ऐसा लगेगा ये तो इंडिया में भी मिलता है भाई, वहाँ का क्या स्पेशल, तो वहाँ का इलेक्ट्रॉनिक स्पेशल है, ठीक है। आईफोन के प्राइसेस में मिल जाएगा वेरिएशन, इंटरनेशनल सबको पता है वारंटी का चक्कर वो होता है, तो वो यू नो बेटर देन दिस। मैं टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ ज़्यादा तो इस चीज़ को लेकर। उसके बाद में आती है डेट्स अच्छी है वहाँ की, सैफरन है, पर सैफरन के मामले में लूटने वाले बहुत बैठे हैं, बी अवेयर, ध्यान रखना, तुमसे बहुत प्यार से बातें करेंगे। परफ्यूम्स के लाखों स्टोर मिल जाएंगे, बट आई प्रेफर चीप स्टोर जहाँ से मैंने कुछ इत्र लिए थे, दो तीन इत्र लिए थे मैंने, जो कि 10-10 दिरहम के अंदर बहुत कॉस्टली थे, मतलब कॉस्टली के जो बहुत अफोर्डेबल थे जो मिल गए थे, ये चीज़ कर सकती हूँ। डेट्स मैंने ली थी और डेट्स मैंने लेकर वहीं खा गई थी, क्योंकि ज़्यादा नहीं, मैंने 20-25 दिरहम की डेट्स ली थी, वो भी हाफ कुछ थी, तो मेरे को स्वीट की क्रेविंग ज़्यादा रहती तो आई एट दैट थिंग। ग्रॉसरी स्टोर आपको हर जगह मिल जाएंगे। सो अब बात आती है एक चीज़ की जो कि रह गई फूडिंग, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के लिए दोनों के लिए देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस इफ यू आर लुकिंग फॉर दो, बट मैं आई प्रेफर लाइक मैं वेजिटेरियन थी तो मेरे लिए मंगलवार वाले दिन बड़ा ही गंदा इशू होता था, मुझे ढूंढना पड़ता था बिल्कुल जैन फूड जिसमें लहसुन प्याज कुछ भी ना हो और प्रॉपर तरीके से सात्विक हो। तो मैंने कुछ जगह रेस्टोरेंट्स में सर्च आउट करा, मिल भी गया, बट अगर आपको लगता है कि आपको वो सब नहीं खाना तो देर आर लॉट ऑफ स्टोर्स, ग्रॉसरी स्टोर्स है जो मिडनाइट तक खुलते हैं, आधी रात तक खुलते हैं। दो तीन एप्लीकेशंस है जो फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस है जो वर्क करती है, जहाँ से मैंने भी ऑर्डर करा है। वहाँ की ज़ाफ़रानी चाय बहुत अच्छी है, ज़ाफ़रानी चाय ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी मेरे को अच्छी लगी थी। ब्लैक टी वो भी बहुत अच्छी है वहाँ की, ब्लैक लेमन टी, ज़ाफ़रानी चाय, और जो मैं आपको एप्लीकेशंस बता दूंगी दो तीन एप्लीकेशंस जहाँ पे फूड आपको मिडनाइट एनी टाइम मिल जाएगा, 24/7 सर्विसेज है। ग्रॉसरी स्टोर के अंदर आपको खाने से लेकर सारी चीज़ें मिलेगी, जैसा जो कि इंडिया में मिलता है सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा ग्रॉसरी केरला रन कर रहा है, ठीक है, सारे स्टोर में केरला मिल जाएगा। बहुत से इंडियन रेस्टोरेंट्स को केरला चला रहा है, मतलब साउथ इंडियन पीपल चला रहे हैं, तो लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं रहेगा आपको। बहुत जगह से जो मेरा साइड है वहाँ पे आपको फॉरनर्स, मतलब दूसरी कंट्री के लोग मिल जाएंगे, बट अगर आप बर्दुबई के अंदर जाओगे तो बर्दुबई के अंदर आपको सारी जगह मिल जाएंगी। मैं एरो सिटी के पास रुकी थी तो एरो सिटी के आसपास में जल्दी से रेस्टोरेंट्स इतने सारे नहीं थे, तो जो मेरे को थोड़ा लुकआउट करना पड़ा था, बट आई वांट द पीसफुल प्लेस जो कि मेरे को मिला था। इस तरीके से हो गया। पैसे आप लेकर अपने हिसाब से जा सकते हो, 30-35 हज़ार पे आपको कन्वर्ट करा लेना, डिपेंड करता है कि आपकी कॉस्टिंग कितनी कर रही है। देखो आप, मैं बताती हूँ, अगर आप किसी टूर कंपनी के अलावा करते हो तो कॉस्टिंग में फ़र्क पड़ेगा, इसलिए मैं काइट से टूरिज्म बोलती हूँ, 15-20 हज़ार रुपये का फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत एडिशनल एक्सपेंसेस हो जाएंगे। टूरिज्म कंपनी के साथ करोगे तो शायद हो सकता है कि आपको कट शॉट मिल जाए बहुत सारी चीज़ें। मेक श्योर कि सफारी ट्राई करो तो हबीबी के साथ जरूर ट्राई करना, अकबर हबीबी के साथ में मेरी बेस्ट सफारी रही थी, आई ऑलवेज हाईली रिकमेंड विद दैट। और ये सारी चीज़ें हो गई है हमारी। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, दुबई में कपड़े क्या पहनने चाहिए। बींग अ गर्ल, मैं रमज़ान में गई थी तो रमज़ान में रिस्ट्रिक्शंस थी, दिन में खाना नहीं खाना बाहर, जो कि ठीक है यार, इतनी गर्मी में कौन ही खाता है खाना बाहर, ठीक है। और अगर आप खा भी रहे हो तो मतलब मेक श्योर कि आपके आसपास में लोग नहीं होने चाहिए, वो सारी जगह ऐसा हो जाता है। बाकी रेस्टोरेंट सारी जगह मिल जाएंगे, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे सब कुछ है अवेलेबल, सब कुछ है, क्योंकि इतना वास्ट हो चुका है ना, तो ऐसा कुछ नहीं कि मुश्किल हो, हार्ड टू गेट इट हो, ईजिली मिल जाएगा। तो देन उसके बाद में आप कुछ भी वेयर करो, ठीक है, मेक श्योर कि आपको बिकनीज वगैरह वेयर करके आप नॉर्मल प्लेसेस पे, पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जा सकते, वो उनका रमजान और बिना रमजान के रूल्स है, क्योंकि इट्स इस्लामिक कंट्री तो यू हैव टू फॉलो फ्यू रूल्स, ये सिर्फ फॉलो करने पड़ेंगे। और कुछ पहनने का कुछ ज्यादा नहीं है, मैंने सब कुछ वेयर करा था, वन पीस वेयर करा था, शॉर्ट्स वेयर करी थी, बिकनी भी वेयर करी थी मैंने, बट नॉट ऑन अ ओपन बेसिस, ठीक है। कुछ प्राइवेट बीचेज है जैसे लामेर बीच है, जो मेरा बीच है लामेर बीच है, वहाँ पे आप वेयर कर सकते हो और इस तरीके से वेरी कंफर्टेबल रह जाएगा। फैमिली के साथ जा रहे हो तो देख लो भाई, तो फिर तो क्या ही है, अगर सोलो जा रहे हो तो एंजॉय कर लेना, बहुत हैपनिंग प्लेस है। मैं दो क्लब रेकमेंड करती हूँ यहाँ पे, ब्लाबला में मैं गई थी, एक क्लब था जो कि विच इज़ द वेरी गुड, इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड और समथिंग कुछ की, किसमें को कहीं पैसे मिले इस चीज़ के बोलने के, बट बहुत अच्छी नाइस वाइब्स है, ठीक है, प्री बूस्ट करके जाना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में ब्लाबला हो गया, और एक दो प्लेसेस हैं जो मैं रिकमेंड करूँगी, आपको डिस्क्रिप्शन में कर दूँगी, मेक श्योर डू चेक इट आउट। आई होप दिस वीडियो शॉर्टली गोना हेल्प यू, ये सारी चीज़ें जो डिटेल्स है आपको आइटनरी मेक श्योर हेल्प आउट करेगी, 7-8 दिन के लिए किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करना है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और एक वीडियो और स्पेशल बना दूँगी 8 दिन की आइटनरी क्या क्या होनी चाहिए, ये आप इस तरीके से प्लान अप कर सकते हो अपना पूरा। मैंने 60,000 में कंप्लीट करा था, आपका कॉल है, किस तरीके की रिकमेंडेशन चूज़ करते हो, कैसी फ्लाइट चूज़ करते हो, कहाँ से आते हो, कहाँ रुकते हो, क्या खाते हो और कैसे एक्सपेंसेस है आपके,
सब कुछ मेरा कट शॉर्ट था तो उसे 60,000 में निमट गया, आपका कितना है डिपेंड ऑन योर्स, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस. ओके, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी हेल्प लेनी है इससे रिलेटेड कॉमेंट में पूछ लेना, आई एम श्योरली गोना हेल्प यू. एंड काइटसाइट टूरिज्म को रीच आउट कर लेना फॉर मोर योर दुबई प्लानिंग्स, की वहाँ पे जेनी है हेल्प आउट करने के लिए, रमेश जी है एंड द काइटसाइट टूरिज्म के ऑनर, ही इज सो हेल्पफुल. इंडियंस के साथ में इंडियन ही है ऑलरेडी, तो बेफिक्र रहना, लैंग्वेज बैरियर नहीं होंगे, आराम से दुबई घूम कर आओ चंगे जी, और बजट के अंदर 1,00,000 रुपए से कम कम में निमट कर आ जाओ आराम से, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन.